मथा छा लिखी छा लिखा छा लिखी छा लिखा सिंध मुड़ी जे अमा दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुड़ी जे अमा सुह तुहे जे मथा सिंध जो कौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तिसादियात तारीख कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती सा प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन ए हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सद दियूं था अचो त गर्जी सूफिन ए संतन वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापस आण वारे सफर जा साथारी बन जाऊं एक नए सुबह की शुरुआत जो पड़ाडो घर घर गोठ गोठ ऐ शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ऐ खुशहाल थिए सिंधी मानु सुख्यो ऐ सतावो थिए दुनिया में मौजूद सिंध जा आशिको रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां तांजो पंजो मशहूर फलकारो तांके सलाम अर्ज रखे थो। मौजूद सामईन अज जीअं त 21 जनवरी आहे ऐं 21 जनवरी 1943 ते सखर जे जेल में सिंध जे एक गभरू नौजवान के जेजी उम्र 19 साल हुई उन्हें के फांसी की सजा दिनी वही 21 जनवरी 1943 का वी इन वक्त तई जद भी डी इंदो आहे तदें सिंध जे उन्हें अमर शहीद हेमू कालाणी जो यादू खणी इंदो आहे। हेमू कालाणी 23 मार्च 1923 ते सखर में पेसूमल कालाणी जे घर में जन्म वरतो। नंढे हूंदे ही सेहतमंद बार हो ऐं संदस माँ श्रीमती जेठी हेमू के ढो लाद कोड से निपाय ही नौजवान जिस्मानी तरह तमाम घणो सघारो हो स्कूल में इनके दाखिल कयो वियो। तखर जे लोकमान्या तिलक हाई स्कूल में हिन बार पढ़ण सां गॾु रांदियुनि रूंदियुनि में बि तमामु घणी दिलचस्पी वरिती ऐं उन रांदियुनि में हिन केतिरा ई इनाम खया। ख़ासि करे हेमू कालाणी पलछे रांदि जो ऐं लठ हलाइण जो तमामु वॾो माहिर हो ऐं हिकु ई वक़्तु उहो अकेलो 16 माण्हुनि जो मुक़ाबिलो कंदो हो। संदसि जिस्मानी करतब संदसि रांदियूं ॾिसी माण्हुनि खे हैरत वठी वेंदी हुई त हीअ नौजवान केॾी बेपनाह सघ ऐं फुर्ती रखे थो। हेमू कालाणी 3 दर्जे में पढ़ंदो हो उन वक़्त खां हिन जे घर में सियासी माहौल पैदा थियो। संदसि चाचो डॉक्टर मंगाराम कालाणी
कांग्रेस जी सियासत सा लागापगी हो ऐं उन खां पोइ नेताजी सुभाष चंद्र बोस या ॿियूं जेके बि तहरीकूं हिंदुस्तान में हलंदियूं हुयूं उन्हनि तहरीकनि जूं ॻाल्हियूं संदसि चाचे जे वातां हिन बचपन में ई पंहिंजे घर में ॿुधियूं ऐं संदसि चाचे मंगाराम कालाणी जे करे ही सॼो घर सियासी घर हो ऐं हेमू नंढड़ी उमिरि में ॿाराणी उमिरि में ई सियासत खे सम्झणु लॻो ऐं तंज़ीमकारी जो हिन में अमल पैदा थियो। हिन सभ खां पहिरीं त पंहिंजे स्कूल लोकमान्य हाई स्कूल लोकमान्य तिलक हाई स्कूल सखर में शागिर्दनि जो हिकिड़ो क्लब ठाहियो जिते नौजवान शागिर्द वर्ज़िशूं कंदा हुआ ऐं उते वर्ज़िशनि जा मुक़ाबला थींदा हुआ। त नंढे हूंदे खां वठी हिन ॿार में इज्तमाही सरगर्मियूं करण जो शौर पैदा थियो। गांधी जॾहिं हिंदुस्तान जे ख़िलाफ़ सिविल बरतानवी हुकूमत जे ख़िलाफ़ जॾहिं सिविल नाफ़रमानी जी तारीख़ सॼे हिंदुस्तान में हलाई त उन जा असर सिंध ते तमामु वधीक पिया। कराची हैदराबाद सखर शिकारपुर उते सिविल नाफ़रमानी जूं तारीख़ूं हलणु लॻियूं ऐं हितां जे माण्हुनि बरतानवी शयुनि जो इनकार करे देसी शयुनि खे पंहिंजो करण जी कोशिशि कई। उन तारीख़ में इहो हूंदो हो त बाबा तव्हां खादी जा कपिड़ा पायो देसी अॾाणनि जा कपिड़ा पायो पर बरतानिया जे मिलनि जो कपिड़ो पाइणु तव्हां छॾे ॾियो। त इहो शौर इहा तहरीक उन सखर में तमामु घणी सरगर्मी आहे तारीख़ थी जी हिंदुस्तान जे ॿियनि शहरनि में बि हुई सिंध में हैदराबाद में बि हुई कराची में बि इहा तारीख़ ज़ोर वरितो इन ऐं शिकारपुर बि इन तारीख़ जो मर्कज़ हो ऐं सखर बि हो। उन में उन वक़्त में इहो हिकिड़ो रवाज पियो हो या इन तहरीक जो हिकिड़ो हिसो जी हिकिड़ी सरगर्मी हुई त नंढड़ा ॿार उहे सुबुह जो ई पंहिंजे घरनि खां निकिरंदा हुआ ऐं पोइ उहे घरनि में वञी उते औरतूं जेके हूंदियूं घरनि जूं उन्हनि खे वञी चवंदा हुआ त बाबा तव्हां जेको सो देसी कपिड़ा पायो ऐं बरतानिया जे मिलनि जा ठहियल रेशमी जेके कपिड़ा आहिनि इन्हनि जो इन्हनि खे तर्क कयो ऐं पोइ उते रज़ाकराना बुनियाद ते उहे ॿार कपिड़ा गॾु करे हुआ ऐं पोइ कंहिं शहर जे मुख चौक ते उहो कपिड़नि खे साड़ण वारो अमल जेको सो शुरू थींदो हो। इहो अमल तक़रीबन सिंध जे सभिनी शहरनि में थींदो हो ऐं सखर में बि थींदो हो। सखर में ॿारड़ा सुबुह साण घरनि मञा उहे कपिड़ा गॾु कंदा हुआ ऐं पोइ साध वेले जे साम्हूं मैदान ते दरिया जे कप ते उते उहे ॿारड़ा कपिड़ा साड़ींदा हुआ ऐं उन्हनि ॿारड़नि जा जेके टोला हूंदा हुआ उन्हनि टोलनि खे उन वक़्त में बंदर सेना जे नाले सां सॾियो वेंदो हो। इहा ॿारड़नि जी बंदर सेना उन वक़्त में तमामु घणी सरगर्म थी ऐं हेमू कालाणी सखर जी बंदर सेना जो रूह रवा हो। इते खां हेमू जे सियासी अमल जी शुरूआत थी। हेमू तमामु घणी सरगर्मी सां बंदर सेना में हिसो वरितो ऐं जिदोजहद जी तारीख़ शायदि आहे त बरतानवी शयुनि जी या मसनूआत जे तर्क करण जो जेका तहरीक हिंदुस्तान सॼे में हली हुई उन जा असर सिंध ते बि पिया हुआ पर सखर में सभ खां वधीक बरतानवी कपिड़ो साड़ियो वियो हो जंहिंजो सहारो सॼो हेमू कालाणी जे मथां आहे हुनजी जिदोजहद जे मथां आहे। हेमू कालाणी जॾहिं सते दर्जे में पहुतो जे सते क्लास में त उन वक़्त में मूं पहिरीं ज़िक्र कयो त डॉक्टर मंगाराम कालाणी जेको हेमू जो चाचो हो उहो तमामु घणो सरगर्म हो। उन
नौजवाननि जी हिकड़ी फ़ौज ठाहिण जो अमल शुरू कयो, जंहिंजो नालो रखियो स्वराज सेना, यानी आज़ादी जी फ़ौज। ऐं हेमू कालाणी खे उन आज़ादी जी फ़ौज में या स्वराज सेना में शामिल कयो वियो। हेमू कालाणी उन में तमामु घणी सरगर्मी सां हिसो वरितो। अॻिते हली हू सखर जी स्वराज सेना सेना जो या आज़ादी जी जेका फ़ौज हुई उन जो अॻवान थी वियो। ऐं स्वराज सेना जो कमु इहो हूंदो त अंग्रेज़ी फ़ौजनि जी जेका चुरपुर आहे उनखे मुतासिर कजे या बरतानवी फ़ौज में हिरास पैदा कजे। इन करे मुख़्तलिफ़ सरगर्मियूं शुरू थियूं ऐं स्वराज सेना जे नौजवाननि उन में तमामु वॾो किरदारु अदा कयो। हेमू जी त तमामु घणो सरगर्म बि हो ऐं उन में जज़्बो बि सभिनी खां वधीक हो। इन करे सखर जी स्वराज सेना तमामु घणी अॻिते वधी आई ऐं हुन ते बरतानवी फ़ौज जूं निंडूं हराम करे छॾियूं। हेमू खे इतलाउ मिलियो त 23 मार्च 1942 जी राति जो हिकु रेलवे सखर मां गुज़रंदी ऐं उन रेलगाॾी सॼी जेका आहे उहा अंग्रेज़ी फ़ौज सां भरियलु आहे, बरतानवी फ़ौज सां भरियलु आहे ऐं उहा कोयटा वञे पई। सखर मां उहा गुज़रंदी त हेमू कालाणी स्वराज सेना जा नौजवान गॾु कया ऐं उन्हनि खे इहो चयो त हीअ जेका फ़ौज जी सॼी गाॾी हितां गुज़रे पई इन गाॾी खे तबाह कजे। ऐं पोइ फ़ैसिलो इहो थियो त जीअं त इहा गाॾी राति जो गुज़रंदी अधु राति जो, इन करे लोक सुते यानी 11-12 वॻे रेल जूं पटड़ियुनि जा बुल्ट खोलिया वञनि ऐं इहा रेलगाॾी हिते उथली पए ऐं जंहिंसां अंग्रेज़ी फ़ौज खे नुक़सान पहुचे। इहो फ़ैसिलो थियो पर उन फ़ैसिले में जेके नौजवान हुआ उन्हनि नौजवाननि में कुझु घबराहट पैदा थी। को पियो चवे त इहो कमु कीअं थींदो, को चए त कीअं थींदो, रातियूं चांडोकियूं आहिनि, उहा चांडोकी राति हुई त सभिनी इहो चयो त चांडोकी राति आहे ऐं शहर में थोरी चुरपुर बि वधी वई आहे, फ़ौज बि इलाही जेका सां सरगर्म थी वई आहे, पुलिस बि रेलवे पटड़ी ते वेही वई आहे। हाणे इन हालति में इन में इहो कमु करणु ॾाढो ॾुखियो आहे ऐं कीअं कजे। त हेमू कालाणी जीअं त उन वक़्त में स्वराज सेना सखर जो अॻवान हो, सालार हो, त हुन चयो त इहो कमु आउं कंदुसि ऐं पोइ हेमू इहो ज़िमू खयो। राति जो हू चांडोकी राति में सखर खां ॿाहिरि रेलवे लाइन ते पानू ऐं हथोड़ो खणी पहुतो, हुन बुल्ट बि खोलिया ऐं उन्हनि बुल्टनि खे ॿाहिरि कढण लाइ जीअं हुन हथोड़े जो धकु आयो त हुन आवाज़ ते आसपास जेका पुलिस हुई ते हेमू जो घेरो कयो ऐं हेमू गिरफ़्तार थी वियो। गिरफ़्तारी खां पोइ जॾहिं हिन खां मिलिट्री कोर्ट में उहो पुछियो वियो त हीउ ॾोह तो कयो आहे त हुन चयो हा हीउ मूं ॾोह कयो आहे छो त मुंहिंजी धरती जो दुश्मन फ़ौजूं उहे हिन रेलगाॾी में चढ़ियल हुयूं, मूं हुन सॼी फ़ौज खे तबाह करण ते चाहियो ऐं इहो कमु कंदे मूं पंहिंजी धरती जी हिफ़ाज़त जे लाइ इहो कमु कयो आहे, मूंखे हिन ते फ़ख़ुरु आहे ऐं आउं वॾे वाक इहो मञा थो त इहो कमु मूं कयो आहे जंहिंखे तव्हां भले ॾोह सम्झो पर आउं इन खे पंहिंजो फ़र्ज़ु थो सम्झां। काफ़ी वकीलनि ॿियनि माण्हुनि इलाही कोशिशि कई त हेमू पंहिंजो इहो बयानु बदिलाए ऐं हेमू खे काफ़ी चयो वियो
एतरे कदर जो हिन केंजो भी चाहे न मनियो ता हिन जी खुद वालद श्रीमती जेठी के बिन वट वठी आया तो तू हली पुट के समझा ता श्रीमती जेठी पंजे पुट के समझायो ता हिन नंढे बार जो माँ के जवाब दिनो वो तारीख के रिकॉर्ड में यादगार है। इन माँ के चयो कमर तो मुखे जन्म दिनो छा तो मुखे इन ला जन्म दिनो हो तो जे गुलाम धरती ते तो मुखे जन्म दिनो आ उन्हें धरती जी आजादी लाए आऊं न विड़ा छा तो मुखे इन ला जन्म दिनो हो तो सजी जिंदगी गुलामन जी आ कंध झुकाए हला जेकर तो मुखे इन ला जन्म दिनो आए तो मुखे तो जो को जन्म दिनो आए उन्हें ते मलामत थी थिए चई तो मां तू मुखे सदाई लोलियों दींदी आए सदाई तू चवंदी है तो तू वडड़ो थींदे तू जोदो थींदे तू दोदो थींदे ऐं अज तू कड़ी माँ आई जेका मुखे समझाइण आई आई तो संस माँ रोई पई तो हेमू इनके चो त अमर तू नीला रोई थी तो आऊं मरी वेंदुसि मूंखे फांसी ईंदी या मूंखे का वॾी गरी सज़ा ईंदी तू उन लाइ रोई थी तुंहिंजी ममता आहे उहा रोए थी पर छा तूं मूंखे यकीन थी ॾी त आऊं सदाई ज़िंदा रहंदुसि ज़िंदगी मुख़्तसिर आहे जेकॾहिं तो वटि इहा ज़मानत हुजे त आऊं सदाई जहिड़ो रहंदुसि ऐं तुंहिंजी अखियुनि जे अॻियां हलंदसि तूं बि सदाई ज़िंदा रहंदे आऊं बि सदाई ज़िंदा रहंदुसि छा इहो यकीन आहे माण्हू आयो आहे उहो मरे थो माण्हू खे सिर्फ़ु इहो फ़ैसिलो करणो आहे त हू कहिड़ो मौत मरे थो हू कांयर वांगुरु कंध झुकाए मरे थो या शींहं वांगुरु आज़ादु रही ऊचे घाट सां जेतिरो वक़्तु बि जीए ऊचे घाट सां जीए अमर तुंहिंजी ममता इहो ज़रूरु चवे थी त आऊं हार मञा ऐं तो वटि ज़िंदा सलामत मोटी अचां पर तूं इहो यादि रख गीता में लिखियलु आहे त माण्हू मरंदो न आहे जून तब्दील कंदो आहे ठीकु आहे हींअर जंहिं जिस्म में मुंहिंजी जान आहे उहा जान फांसी अचण सां ख़तम थी वञे पर हेमू ज़िंदा रहंदो आज़ादी जो रूह बणजी ज़िंदा रहंदो ऐं हू के हिकु ॾींहुं ॾिसंदो त बर्तानिया जो झंडो मुंहिंजी धरतीअ तां लहंदो मुंहिंजी धरती आज़ादु थींदी उहो ॾींहुं आऊं ज़रूरु ॾिसंदुसि ऐं तोखे तूं हिकिड़ो पुटु पंहिंजो क़ुर्बान करी पई पर अमर तूं ॾिसजां त सॼो हिंदुस्तान तोखे माउ करे छॾींदो तूं सिंधु माता आहीं तोखे वॾो लक़ब मिलण वारो आहे आख़िरकार पुट जूं इहे ॻाल्हियूं ॿुधी श्रीमती जेठी रोंदी पुट खां मोकिलाए वई ऐं हेमू कालाणी पंहिंजो बयान न बदिलायो नतीजे में मिलिट्री कोर्ट खेसि 10 साल जी सज़ा ॾिनी वरी वकीलनि कोशिशि करे मिलिट्री कमांडर वटि उहो केस खणी विया त मिलिट्री कमांडर उन 10 साल सज़ा खे घटाइण जे बदिरां हेमू खे सज़ाए मौत ॾिनी फांसी जी सज़ा ॾिनी केस बचाइण लाइ सॼो हिंदुस्तान उथी पियो साधू वासवाणी
स्वामी हरनाम दास, जमशेद महता, पीरजादो अब्दुल सत्तार, ये सब मानू जेका भी सियासी कयादत हुई, मजहबी कयादत हुई, समाजी कयादत हुई, उन सभी मानन तमाम घणी कोशिशू कयूं तो हे मुखे बचाई जे, पर हे मु हर जगह ते इयो ही नारो हणंदो रहियो तो जेकरे मुखे आजाद कयो वियो तदें बाऊं विरंदो रहंदस, आऊं पंजी वेड़ बंद न कंदस, आऊं माथ करे न वेंदस, तो वे सभी कोशिशूं जेके उन्हें कयूं थे उन्हें कोशिशूं नाकाम पे थियूं उनके बचाइण जूं। आखिरकार हेमू के 21 जनवरी 1943 ते फजुरवेल सखर जेल में फांसी दिनी वही। फांसी दियण खां पोए सलसलाश मिलिट्री खणी मसान ते आई, सजो सखर ऐं आसपास जा माण्हू हेमू जे आख़िरी क्रियाक्रम में शामिल थिया ऐं लाश वसूल करण वक़्त हेमू जे बहादुर पीउ पेसूमल कालाणी जेके लफ़्ज़ चया उहे बि तारीख़ जो हिसो आहिनि। पेसूमल कालाणी हेमू जो लाश वसूल कंदे हेमू जे मोहतां चादर लाहे उनखे चयो त हेमू तोखे मुबारक हुजे जो तो धरती जी लज रखी सिंध माँ जी थन मलाई ऐं तू अमर थी वे। अॼु पूरे बरे सगीर जूं जेके बि क़ौमूं आहिनि उन में सिंध लजी नाहे, तो सिंध जी लज रखी आहे, तू अमर थी वे। पेसूमल कालाणी जा इहे लफ़्ज़ तारीख़ जो हिसो आहिनि। हेमू कालाणी अमर हो, अमर थी वियो, हुन सिर जे बदिरे साह जे बचाइण जे लाइ पंहिंजे वेसाह जो भरम न टोड़ियो, को सिर ॾेई सरो थियो। हेमू खे जॾहिं तख़्ते दार ते वठी आया उन वक़्तु ही बिल्कुल फांसी जे तख़्ते ते बीह हिन नाच कयो, माण्हू सभु हैरान थी विया। फौजी सिपाहियुनि पुछियसि त तूं हींअर तूं मरण वारो आहीं ऐं तूं कहिड़ो नाच पियो करीं? चई त आऊं नाच इहो पियो करियां त मूंखे मरणो त उहे हो, पर कायरता जे मौत में ऐं ग़ुलामी जे मौत में कंधु हेठि करे जीअण जे बजाए ऊचे गाठ सां फांसी जे तख़्ते ते चढ़ां पियो, मूंखे हिन जी ख़ुशी आहे, उन जे लाइ झूमर पियो हणां। ऐं पोइ जॾहिं फांसी जी रसी हुनखे वेझी आंदी वई त हुन हुनखे चुमी ॾिनी, हुनजे हथ ॿधल हुआ, पर हुन जलाद खे चयो त इहा रसी थोरो ओरते कर त हुनखे चुमी ॾियां। हेमू खां जॾहिं आख़िरी ख़्वाहिश पुछी वई त तुंहिंजी आख़िरी ख़्वाहिश कहिड़ी आहे, त पाण चई त आऊं कुझु नारा हणां थो, उन उहे नारा उन नारनि जो आवाज़ु जेसि ताईं पहुचे ऐं जिन्हनि माण्हुनि जे कननि ताईं पहुचे उहे माण्हू उन नारनि जो जवाबु ॾिए, ऐं उहो नारनि जो जवाबु आऊं ॿुधां, मूंखे ॾाढो सुकून मिलंदो। ऐं आख़िरी मोकिलाणी पंहिंजी जीजल सिंध खां जेका कंदुसि उहा इन उमेद सां कंदुसि त आऊं त क़ुर्बान थियां पियो पर मुंहिंजी सिंध जाॻे पई। ऐं उन खां पोइ हेमू नारा हया, सूराज जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,
सिंध जिंदाबाद, आज़ादी जिंदाबाद, बरतानवी साम्राज मुर्दाबाद, ये नारा हुआ। नारा का जलाद तख्तों कढ़ो, हेमू कालाणी जो रूह जिस्म का धार थो। हेमू कालाणी सिंध जो हीरो हो। हेमू कालाणी बरतानवी साम्राज्य जो दुश्मन हो। हेमू कालाणी जेका कुर्बानी दिनी वह इ हुई तो बरतानवी साम्राज्य जदे विंदो तो उन्हें खां पोए मुखे हीरो तौर तस्लीम कयो विंदो, मुझे यादगिरियूं मलायूं वेंदियूं, मुझे ड्यारा मलाया विंदा। हिंदुस्तान में हेमू जी शहादत जे दिन ते वड़ा मेड़ा का थियन था। हिंदुस्तान में जिते भी सिंधी आबादियों आन उते हेमू जा तमाम वड़ा चौकन ते मुजसमा लगल आन। पर इते अफसोस आए तो सखर में या सिंध जे कें भी शहर में हेमू जो को भी यादगार ना है। बरतानवी साम्राज तो वो पर बकौल इब्राहिम मुंशी जे तो विया गोरा वरिया कारा, फिक्र बदलिया न फन बदलिया। साग्यू हन निज़ाम हन मुल्क जो, बाकी बदन बदलिया। हेमू जो रूह अज भी सिंध के फिजान में आज़ादी के ओसियड़े में आए। शाल इन बेचैन रूह के सुकून मिले। हेमू कल भी अमर हो, अज भी अमर है। जेस तई सिंध है तेस तई हेमू अमर है। हेमू सिंध जो पेर गभरू रत जै फखुर कुर्बानी पेश कई, खिलंदे कुडंदे कुर्बानी दिनी, नारा हणंदे कुर्बानी दिनी। उन बहादुर रूह अज भी सिंध के फिजान में बेचैन है। शाल हुन जे रूह के सुकून मिले। शाल हेमू कालाणी जी मयारी सिंध, हेमू जी पंज अमर शहीद जी या मयार लाए सके। हेमू सदाई अमर है, अमर रहंदो। इन ही सा तवा पंजे मशकूर फलकारे के इजाजत दींदा। सदाई गद यार जिंदा सोबत बाकी। अमाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंथ लंदन।